देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले घटी थी, जब मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट था। मेरे गांव से कॉलेज का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, मगर मैं कभी भी रात में उस रास्ते से नहीं आता या फिर गुजरता था, क्योंकि वह रास्ता मेरे घर वालों के अनुसार भयानक माना जाता था। तो ऐसे में मैं उस रास्ते से जाने की सोच भी नहीं सकता। मगर ऐसा नहीं था कि मैं अंधविश्वास रखता था, मुझे भूत प्रेत चुड़ैल इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आ गया। दरअसल उसने बताया कि आज कॉलेज में रात में एक फंक्शन रखा गया है, मगर मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं थी। मगर अब कॉलेज में फंक्शन था तो मुझे आनंद लेने के लिए कॉलेज में जाना तो था ही। वह फंक्शन हमारे कॉलेज में रात के लगभग 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था। तो ऐसे में मैं और मेरा दोस्त, जो कि मेरे ही गांव में रहता था, जिसका नाम अनिल था, हम दोनों शाम को ही घर से निकल गए। फिर वहां पर जाकर हमने पार्टी को एंजॉय किया। रात के लगभग 11 बजे हमें फिर से कॉलेज से निकलना था, मगर खाना पीना और डांस करने में हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:30 बज गए। फिर हम लोग रात के लगभग उसी वक्त अपनी बाइक स्टार्ट करके कॉलेज से जाने लगे। अब रात भी काफ़ी घनी हो चुकी थी। आज अमावस्या की रात थी, मगर हमें तो कॉलेज स्टूडेंट होने की वजह से भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं अब बाइक ड्राइव करने लगा और अनिल, जो कि मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, तो हम दोनों रास्ता पार करने लगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से ही चला जाए, क्योंकि अगर हम जंगल वाले रास्ते से जाते तो हमें आधा ही समय लगता, और अगर हम घूम कर जाते तो हमें 1 घंटे का वक्त आसानी से लग जाता। यह बात मैंने अनिल को भी बताई तो अनिल ने मुझसे कहा, जैसा तू ठीक समझे। और मैंने भी वही किया। मैंने बाइक को उस जंगल वाले रास्ते पर एकदम से मोड़ लिया। जैसे ही हमारी बाइक ने उस जंगल में प्रवेश किया कि बाइक के नीचे आने वाले पत्तों की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई देने लगी। अभी मैं ड्राइव करता हुआ आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे सामने से ऐसा लगा कि कोई बहुत ही भयानक आवाज़ आई है, लेकिन मुझे लगा कि जंगल ही तो है, ऐसे में ऐसी आवाज़ आना कोई बड़ी बात नहीं है। यही सोचकर मैं आगे की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा था और ऊपर से सुनसान जंगल का रास्ता हमें बार बार सताए जा रहा था। हालांकि मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे दोस्त को थोड़ा डर महसूस हो रहा था। घनघोर अंधेरा और ऊपर से चिल्लाता हुआ ये सन्नाटा कहीं ना कहीं किसी सामान्य मनुष्य के मन में डर पैदा कर ही देता है, तो मुझे भी थोड़ा डर तो लग ही रहा था। मगर किसी जंगली जानवर का, कि कहीं से कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। पर मैं बाइक को चलाता रहा और फिर कुछ देर हम आगे बढ़ने के बाद ऐसा लगा कि किसी ने हमारी बाइक को पीछे से पकड़ लिया हो, क्योंकि हमारी बाइक का एक्सीलेटर तो दबा हुआ था, मगर बाइक तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। हमें काफ़ी हैरानी हो रही थी। उसके बाद मैं नीचे उतरा तो वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे फील लगा कि शायद बाइक के अंदर कोई खराबी हो गई होगी, इसलिए मैं बाइक को चारों तरफ से देखने लगा। और फिर जब मैं बाइक पर बैठा तो इस बार हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, मगर वह पहले की तरह इस बार रुकी नहीं। इस बार वह एक ही झटके में वहां से चल पड़ी। सच में उस समय हमें काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन अब हमें किसी भी तरह इस जंगल को पार करना था, क्योंकि अब मुझे भी उस माहौल से डर लगने लगा, क्योंकि अब तो यह हाथ से उसी तरफ इशारा कर रहे थे। अभी हम दोनों थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी हमने देखा कि सामने की तरफ से एक गोल गोल पत्थर हमारी तरफ घूमता हुआ आ रहा था। उस पत्थर की गति काफ़ी तेज लग रही थी, वह सीधा हमसे आकर ही टकराने वाला था। यह देखकर तो हम दोनों के डर से पसीने छूटने लगे। उस पत्थर के अंदर डरा देने वाली बात तो ये थी कि वह पत्थर पूरा लाल था। ऐसा लग रहा था कि उस पत्थर पर अभी अभी ताज़ा खून लगा हुआ है। अब वह पत्थर हमारी तरफ आने लगा, तभी मैंने देखा कि उस पत्थर के साथ साथ एक भयानक रूप की औरत भाग रही थी।
वह औरत इतनी तेज भाग रही थी कि वह पत्थर भी अब उससे पीछे छूट चुका था। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई तो मैंने देखा कि उसके तो पैर है ही नहीं। दरअसल वह खुद हवा में उड़ रही थी। उसे देखकर मेरी तो हवा ही निकल गई और मेरी बाइक से धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगा। और तभी अचानक से मैं अपनी बाइक से पूरा का पूरा संतुलन खो चुका था। मेरी बाइक जाकर एक पेड़ से टकरा गई, जिस वजह से हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। सड़क पर गिरने की वजह से हमारे हाथ और पैर बुरी तरीके से छिल चुके थे, मगर हमें अंदरूनी चोट नहीं आई थी और यही हमारे लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर भी हमारे हाथ और पैरों से काफी खून बहने लगा, खून जो कि चारों तरफ फैल चुका था। मगर अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। हम लोग बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगे, मगर हम तो भाग ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं कैसे। लेकिन तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने हमारे पैरों को रस्सी से बांध दिया हो। जब मेरी नज़र मेरे पैरों के ऊपर गई तो मैंने देखा कि हम दोनों के पैर बहुत ही बड़े बड़े बालों से बंधे हुए थे। वह बाल काफ़ी पीछे हमारी तरफ आ रहे थे। मैं तो हैरान रह गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी पीछे से वह बाल हमें नीचे गिराने लगे और फिर हम दोनों घसीटते हुए पीछे की तरफ जाने लगे। आज मैंने किसी की भी बात नहीं मानी और उसका अंजाम आज मेरे सामने था। मगर मैंने किसी तरह हिम्मत दिखाई और फिर अपने पैर से उन बालों को किसी तरह छुड़वाया। और उसके बाद मैं अनिल के पैरों को भी उन खौफनाक बालों से छुड़वाया। और फिर उसके बाद हम दोनों किसी तरह से उठे और भागने की कोशिश करने लगे। और इस बार हम दोनों भागने में सफल हो गए। लेकिन जंगल का वो रास्ता पूरा का पूरा सुनसान होने के साथ साथ काफ़ी लंबा भी था, तो ऐसे में भागकर उस रास्ते को तय करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। अगर कोई भी इंसान जब उसे अपनी मौत सामने खड़ी हुई नज़र आती है तो वह कुछ भी करने को तैयार होता है, और हमने भी वही किया। हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। मगर अब चिंता भागने की नहीं थी, अब चिंता थी तो सिर्फ अपनी जान बचाने की। और फिर हम लोग लगातार भागते ही रहे। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने देखा कि सामने की तरफ से अचानक ही जमीन फटने लगी। उस जमीन को फटता देख हम दोनों बुरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे भयानक और खौफनाक दिल दहला देने वाले दृश्य देखे थे। और तभी अचानक से हमने देखा कि उस जमीन के अंदर से वही औरत निकली जो हमने पहले उस पत्थर के साथ साथ भागते हुए देखा था। मगर अब वह पूरे तरीके से एक मिट्टी के अंदर डूबी हुई थी, तो उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी और फिर अचानक से बिजली ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया और फिर बारिश होने लगी। मगर हैरान की बात तो ये थी कि वह बारिश उस औरत पर ही हो रही थी। सच में यह बात हिला देने वाली थी। मगर हम लोग अब पीछे की तरफ पलट जाते तो हम मरते ही, और आगे की तरफ भागते तो भी मरते। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल में ही प्रवेश कर लेते हैं, वहां से हम किसी रास्ते को पकड़कर निकल ही जाएंगे। और मैंने अनिल को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसके बाद हमने जंगल के अंदर दौड़ लगा दी। मगर तभी हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी वस्तु हमारे पीछे घसीटते हुए आ रही है। मगर इस वक्त हम दोनों बिल्कुल भी पीछे पलटना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को पहले ही खतरे में डाल चुके थे और अब अपनी मौत को दावत देना हमने बिल्कुल ठीक नहीं समझा। तो ऐसे में हम दोनों उस खौफ से उसी जंगल में भागते रहे। मगर तभी हमने देखा कि एक पेड़ के ऊपर वही औरत फांसी खाकर लटकी हुई थी। अब तो हम दोनों के सामने लगातार भयानक खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे थे, जिनके बारे में हमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। मगर मैंने हिम्मत जुटाई और फिर लगातार अनिल को अपने पीछे भागते रहने का इशारा किया, और वह भी लगातार मेरे पीछे भागता ही रहा। एक तो मेरी बाइक जो कि मैंने कुछ महीनों पहले ही खरीदी थी, वह बाइक अभी इस हाईवे पर इस तरह खुले आम टूटी पड़ी थी, और ऊपर से मैं इस भयानक जंगल में फंस चुका था।
मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इस रास्ते को आने के लिए ठीक समझा। अगर मैं इस रास्ते पर बिल्कुल भी ना आता तो आज मेरी यह दशा नहीं होती। मगर उस वक्त सबसे ज़रूरी था कि मैं किसी तरह अपनी जान बचाऊं, इसलिए मैं लगातार भागता ही रहा। हम दोनों उस जंगल के रास्ते को लगभग ख़त्म करने ही वाले थे, लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से वही औरत फिर से हमें खड़ी हुई दिख रही थी। इस बार उसके हाथ में एक बहुत बड़ी काली काली लकड़ी थी और इस बार पहले के बजाय वह और भी लंबी हो चुकी थी। उसका कद लगातार बढ़ रहा था, साथ ही उसके बड़े बड़े नाखून हमारी मौत की तरफ इशारा कर रहे थे। अब सामने की तरफ भागना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन वह जंगल का अंतिम छोर भी था तो हमें किसी तरह उस रास्ते को पार करना था। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर उस औरत के करीब से जाने वाले एक पतली गली के पास से गुजरने लगा। लेकिन फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। दरअसल उस औरत ने हम दोनों को उस तरफ भागता हुआ देख लिया और फिर अचानक पता नहीं कहां से बड़े बड़े पेड़ अचानक ही ऊपर से टूट कर नीचे गिरने लगे। इसका मतलब साफ था कि वह औरत हमें रोकने का प्रयास कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने भगवान हनुमान जी की माला जपना शुरू कर दिया और लगातार उस रास्ते पर चलता रहा। वो रास्ता अभी 4 से 5 मिनट की दूरी पर था, मगर वह 5 मिनट की दूरी हम पर काफ़ी भारी पड़ सकती थी। ऐसे में मैं थोड़ी सावधानी बरतते हुए वहां से आगे बढ़ने लगा, मगर तभी अचानक से एक पेड़ की डाली मेरे सर पर आकर लगी। जैसे ही वह मेरे सर पर लगी तो मुझे काफ़ी भयानक चोट लगी। उस चोट की वजह से मेरे सर में खून आने लगा। हालांकि वह चोट इतनी गहरी नहीं थी, मगर अनिल अभी भी बिल्कुल सेफ था। खैर, वह मेरे लिए अच्छी बात थी और हम लोग वहां से किसी तरह बचकर निकलना चाहते थे, मगर मुश्किलों से भरे हुए उस रास्ते से निकलना लगातार हमारे लिए कठिन बन रहा था। बार बार हमारा सामना किसी नई मुसीबत से हो ही जाता। फिर हम दोनों भगवान का नाम जपते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी हमने देखा कि अब वह बुढ़िया उस पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर हमारे पीछे भागने लगी। उसकी दौड़ हमसे भी काफ़ी तेज थी। वह कुछ पल में ही हमें क्रॉस करके हमसे आगे निकल चुकी थी, मतलब कि अब हमारी मौत बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। मगर वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार उस औरत के सामने दौड़ता ही रहा। शायद मेरी हिम्मत काम आने लगी। जब मैं उस औरत की तरफ भगवान का नाम लेकर दौड़ने लगा तो उसका कद कम होने लगा और देखते ही देखते वह एक नॉर्मल कद में आ चुकी थी। और शायद यह सब ऊपर वाले की देन थी कि अचानक से उस औरत के कपड़े में आग लगना शुरू हो गया और देखते ही देखते वह पूरे तरीके से जलने लगी। हमें डराने वाली वह चुड़ैल अब खुद एक भयानक मंजर में फंस चुकी थी। शायद अब उस चुड़ैल का अंत करीब था और उसके बाद देखते ही देखते वह चुड़ैल राख के रूप में तब्दील हो गई। उस रात पता नहीं क्यों, मगर वह चुड़ैल जलकर खाक हो गई। शायद मेरे द्वारा किए गए भगवान के उच्चारण को वह सह नहीं पाए और उसकी मर्जी ना होने के बावजूद भी उसे उस जगह से गायब होना पड़ा। उस औरत के वहां से गायब होते ही मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों तुरंत ही वहां से अपने घर के लिए निकल गए और हम दौड़ते हाँफते हुए घर पर पहुंचे। घर जाकर मैंने इस घटना का जिक्र अपने सारे घर वालों से किया तो मुझे बदले में घर वालों से डांट ही पड़ी कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी उस रास्ते से आया। मगर उसके बाद मैं भूत प्रेत के नाम से ही बहुत ज़्यादा डरता हूँ, और तो और उस रास्ते से मैं दिन में भी नहीं आता जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।